गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम योर साइंस टीचर सुष्मिता रॉय। आई एम योर साइंस टीचर सुष्मिता रॉय। वेलकम टू योर ऑनलाइन साइंस क्लास। टुडे वी विल सी द समरी ऑफ सिंपल मशीन्स। सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। फर्स्ट वी विल नो अबाउट व्हाट इज़ अ मशीन। एक मशीन क्या होती है? अ मशीन इज़ अ डिवाइस दैट मेक्स वर्क सिंपलर, ईजियर एंड फास्टर। ऐसी कोई भी चीज़ जो हमारे काम को आसान बनाती है और जल्दी करने में मदद करती है, उसे हम मशीन कहते हैं। नेक्स्ट है सिंपल मशीन। मशीन्स दैट हैव फ्यू और नो मूविंग पार्ट्स आर कॉल्ड सिंपल मशीन्स। ऐसी मशीन्स जिनमें कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होता और ज़्यादा पार्ट्स भी नहीं होते, मतलब सिंपल सी होती है वो, उसमें बहुत ज़्यादा पुर्जे नहीं होते हैं और वो आसान काम के लिए होती है, उसमें किसी और पावर सप्लाई की ज़रूरत नहीं होती, उन्हें हम सिंपल मशीन्स कहते हैं। जैसे नेल कटर, टोंग, रेंच, निडल, बॉटल ओपनर, स्क्रू ड्राइवर, नाइफ, ये सब कुछ क्या है? सिंपल मशीन के एग्जांपल्स हैं। देयर आर सिक्स टाइप्स ऑफ सिंपल मशीन्स। पुले, इनक्लाइन प्लेन, स्क्रू, वेज, लीवर, व्हील एंड एक्सल। फर्स्ट वी विल नो अबाउट लीवर। अ लीवर इज़ अ स्ट्रेट बार दैट मूव्स ऑन अ फिक्स पॉइंट। एक लीवर एक स्ट्रेट रॉड होता है या बार होता है जो एक पॉइंट से टिका हुआ होता है, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? लीवर कहते हैं। लीवर थ्री टाइप के होते हैं। फर्स्ट टाइप ऑफ लीवर में जो फुलक्रम होता है, फुलक्रम क्या होता है स्टूडेंट्स? जिस बेस पर लीवर टिका हुआ होगा उसे हम फुलक्रम कहते हैं। एफर्ट क्या होता है? जो फोर्स हम काम करने के लिए लगाएंगे उसे हम एफर्ट कहते हैं। और लोड क्या होता है? जिस सामान को हमें लिफ्ट करना है या पुश करना है उसे हम लोड कहते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट टाइप ऑफ लीवर में फुलक्रम हमेशा सेंटर में होगा और रॉड के या लीवर के एक पॉइंट पर लोड होगा और दूसरे पॉइंट पर हमेशा एफर्ट लगाते हैं, ठीक है। सेकेंड क्लास ऑफ लीवर में जो एफर्ट होता है वो एक पॉइंट पर होता है, लोड सेंटर में होता है और फुलक्रम सबसे लास्ट में होता है, यानी दूसरे पॉइंट पर प्रेजेंट होता है। इसे हम क्या कहते हैं? सेकेंड क्लास ऑफ लीवर। इसके एग्जांपल है व्हील बैरो, नट क्रैकर और बॉटल ओपनर। नेक्स्ट है थर्ड क्लास ऑफ लीवर। थर्ड क्लास ऑफ लीवर में फुलक्रम रॉड के एक पॉइंट पर होगा, दूसरे पॉइंट पर लोड होगा और सेंटर में एफर्ट लगता है, ठीक है। इसके एग्जांपल्स हैं आर्म, फिशिंग रॉड, ब्रूम एंड स्टेपलर। नेक्स्ट मशीन है इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन क्या होता है? ये एक लकड़ी का या आयरन का प्लैंक होता है, यानी पटरे जैसा होता है, जिसका यूज़ हैवी सामान को ऊपर चढ़ाने के लिए या नीचे उतारने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं, इन गाड़ियों को ट्रक में चढ़ाने के लिए एक प्लैंक का यूज़ किया गया है। इस तरीके के प्लैंक को ही हम इंक्लाइंड प्लेन कहते हैं। जो स्लाइड होती है जिस पर आप खेलते हैं वो भी इंक्लाइंड प्लेन का ही एक एग्जांपल है। इसके अलावा स्टेयर्स और लैडर भी इंक्लाइंड प्लेन के एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट है व्हील एंड एक्सल। आपने अपनी साइकिल के व्हील को तो देखा ही होगा, उसके सेंटर में जो रॉड लगी होती है उसे हम एक्सल कहते हैं और उसी रॉड के बेस पर हमारा व्हील मूव करता है, तो इसे ही हम क्या कहते हैं? व्हील एंड एक्सल, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या क्या है? साइकिल, डोर नॉब, इस तरीके से लॉक करने के लिए जो डोर होते हैं उनको भी हम रोटेट कर सकते हैं। फिर कार का जो स्टेयरिंग व्हील होता है वो भी व्हील और एक्सल का ही एग्जांपल है। नेक्स्ट है पुले। अ पुले यूजेस अ व्हील एंड अ रोप टू लिफ्ट द लोड। अभी तक हमने पढ़ा कि सेंटर में एक रॉड होता है और उसके चारों तरफ व्हील रोटेट करता है, उसे हम व्हील और एक्सल कहते हैं। लेकिन जब व्हील और एक्सल को एक रोप के साथ कंबाइंड किया जाता है तो उसे हम पुले कहते हैं। पुले का यूज़ भारी सामान को ऊपर उठाने या नीचे उतारने के लिए किया जाता है। पुले में
रस्सी के एक साइड पर हम एफर्ट लगाते हैं, यानी उसको नीचे की तरफ पुल करते हैं, इसलिए इसे पुले कहते हैं। ठीक है, एक साइड से हम इसे नीचे खींचते हैं तो, और दूसरे साइड से लोड ऊपर आता है, इसकी वजह से किसी भी भारी सामान को ऊपर उठाना आसान हो जाता है। नेक्स्ट है वेजेस। टू इंक्लाइन प्लेन्स टुगेदर फॉर्मिंग अ शार्प एज इज कॉल्ड अ वेज। दो इंक्लाइन प्लेन्स को ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर हम जोड़े तो उससे क्या बनता है, वेज बनता है। ये एक इंक्लाइन प्लेन है, ये दूसरा इंक्लाइन प्लेन है, इन्हें जब जोड़ा जाता है तो इससे क्या बनता है, वेजेस बनते हैं। वेजेस का यूज़ किसी भी चीज़ को दो पार्ट में सेपरेट करने के लिए या दो पार्ट में कट करने के लिए किया जाता है। जैसे नाइफ से आप फ्रूट्स वेजिटेबल्स काटते हैं, एक्स से वुड काटते हैं, स्क्रू ड्राइवर से आप किसी चीज़ को खोलते हैं जिसकी वजह से वो दो पार्ट में सेपरेट हो जाए, चीज़ल से भी आप यही काम करते हैं। ठीक है, तो इनका यूज़ हम किसी भी दो चीज़ को सेपरेट करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट है स्क्रू। अ स्क्रू इज़ एन इंक्लाइन प्लेन रैप्ड अराउंड अ शाफ्ट। एक स्क्रू एक इंक्लाइन प्लेन ही होता है जो एक शाफ्ट के चारों ओर रैप्ड होता है, यानी लपेटा हुआ होता है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं ना, ये एक सिंपल शाफ्ट है और ये एक क्या है, इंक्लाइन प्लेन है। अगर हम इस इंक्लाइन प्लेन को इस शाफ्ट के चारों ओर लपेट दें तो वो एक स्क्रू की तरह दिखेगा ना, तो इसी तरीके से एक स्क्रू तैयार होता है। स्क्रू के एग्जांपल्स हैं नट बोल्ट, कॉर्क स्क्रू, जार लिड और एक जैक स्क्रू जिससे हम गाड़ियों को लिफ्ट करते हैं। लास्ट पॉइंट है कंपाउंड मशीन्स। सिंपल मशीन्स को जब एक साथ जोड़ा जाता है तो उससे कंपाउंड मशीन्स तैयार होती हैं। इनका एग्जांपल है लॉन मोवर, स्टेपलर, टाइपराइटर, पेंसिल शार्पनर, बुलडोज़र। इन सभी को कई सारे सिंपल मशीन्स के साथ जोड़कर तैयार किया जाता है। That's it for today's class, students. Thank you for watching.